नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। सबसे मजबूत साप्ताहिक लाभ दर्ज करने के बाद लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स नीचे ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि इन्वेस्टर्स जून के आखिरी हफ्ते के मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिटकॉइन $30,000 के स्तर के करीब ट्रेड कर रहा था। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.7% की गिरावट के साथ 40,140 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि NYC बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक इनकॉर्पोरेशन ने पिछले हफ्ते बिटकॉइन स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए अप्लाई किया था। ब्लूमबर्ग ने बताया, लगभग $9 ट्रिलियन के साथ दुनिया के सबसे बड़े मनी मैनेजर के रूप में ब्लैक रॉक की स्थिति को देखते हुए फाइलिंग को एक संकेत के रूप में लिया जा रहा है कि SEC एनालिस्ट ने कहा कि आखिरकार स्पॉट बिटकॉइन ETF को हरी झंडी मिल सकती है। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने फ्लोरिडा बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म वोलेटिलिटी शेयर्स द्वारा पेश किए गए देश के पहले लेवरेज बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF को मंजूरी दे दी है। हालांकि क्रिप्टो एक्सचेंज दिग्गज बाइनेंस और कॉइनबेस के खिलाफ US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज लॉसूट में मेंशन्ड डिजिटल एसेट की सूची से बिटकॉइन और ईथर को बाहर करना, इसके बाद ब्लैक रॉक, इन्वेस्को और विजडम ट्री द्वारा स्पॉट बिटकॉइन ETF फाइलिंग शामिल है। इसके अलावा बढ़ते जॉबलेस क्लेम्स एक संकेत हैं कि US सेंट्रल बैंक की हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी को धीमा कर रही है और इनकरेजिंग भी रही है। आगे बढ़ते हुए मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ध्यान SEC और क्रिप्टो एक्सचेंज के बीच लीगल बैटल्स पर फोकस रहेगा। पिछले हफ्ते कॉइनबेस को US सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एक्सचेंज के यूजर्स में से एक द्वारा दायर मुकदमा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि कॉइनबेस लोअर कोर्ट रूलिंग की अपील का बचाव नहीं करता। हालांकि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के नोटेबल एक्सेप्शन के साथ आगे मैक्रो इकोनॉमिक डेटा फोकस में होगा, जिसे इस हफ्ते में अनाउंस किया जाता है। कई मेट्रिक्स का उपयोग करके हाल के वर्षों में ऑल्टकॉइंस के बीच इथेरियम का डोमिनेंस बढ़ा है। ETH की मार्केट शेयर 2020 में सिर्फ बिटकॉइन से 18% पीछे थी, लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच इस साल बढ़कर 20% हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑल्टकॉइंस के बीच ETH 40.6% की मार्केट शेयर के साथ टॉप पर है और अपने करीबी राइवल BNB को 7.2% पर छोड़ दिया है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सेक्टर के बारे में बात करते हुए आवे प्रोटोकॉल ने पिछले 24 घंटों में कीमत में 25.08% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। इस वृद्धि को मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी में नए इन्वेस्टर की रुचि से प्रेरित है, जिसके पास आवे जैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है। इसी के साथ साथ यूनिस्वॉप एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है जो इथेरियम द्वारा पावर्ड है और अपने नेटिव टोकन UNI द्वारा गवर्न्ड है। UNI ने पिछले 24 घंटों में इसकी कीमत में 22% की वृद्धि देखी है। हालांकि ऑप्टिज्म नेटवर्क पर यूनिस्वॉप के इंसेंटिव्स ने कई आउटकम्स जनरेट किए हैं। लिक्विडिटी और डीफाई सेक्टर इसकी कीमत में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। US स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट आई क्योंकि वॉल स्ट्रीट ये देखना चाह रहा था कि क्या जून के अंतिम हफ्तों में मार्केट रैली को और गति मिल सकती है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 28 पॉइंट्स या सिर्फ 0.1% नीचे दिखाई दिया। S&P 500 फ्यूचर्स और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में भी 0.2% की कमी थी। बिटकॉइन 1.1% की गिरावट के साथ $30,315 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी इथेरियम 2% की गिरावट के साथ $1,879 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 0.8% की गिरावट के साथ $237.5 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोलाना SOL 1.1% की गिरावट के साथ $16.9 पर ट्रेड करता नजर आया। कार्डानो का ADA टोकन 2.8% की गिरावट के साथ $0.28 पर ट्रेड करता नजर आया। पॉलीगॉन मैटिक 1.2% की गिरावट के साथ $0.66 पर ट्रेड कर रहा था। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 2.3% की गिरावट के साथ $0.065 पर ट्रेड करता नजर आया। शिबा इनू में 2.7% की गिरावट दर्ज की गई। रिपल का XRP टोकन 2.2% की गिरावट के साथ $0.48 पर ट्रेड करता नजर आया। हालांकि पोलकाडॉट 0.3% की बढ़त के साथ $5.2 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सक्सेसफुल रेफरेंडम के बाद पोलकाडॉट ने अपने ब्रिज हब को अपग्रेड किया है, जो पोलकाडॉट इकोसिस्टम के अंदर एक ब्लॉकचेन से ट्रांजैक्शन और डेटा को दूसरों के लिए एक्सेसिबल और यूजेबल बनाता है। ब्रिज हब इकोसिस्टम के अंदर क्रॉस चेन कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देता है। अवलांच AVAX 0.3% की बढ़त के साथ $13.5 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। आइए देखते हैं क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर उपेंद्र प्रीत सिंह की क्या है राय। You know, as we have seen that in past 1 week, market has responded very well. BlackRock has applied for the spot ETF, right? And
Bitcoin saw very good traction. Institutions started buying a lot, especially when the retail was at very high fear. So the fear among the retail was very high, and since then, the entire pump was done by the institutions, as you can see, and most of the people are still sitting on sidelines. And the weekly closing that happened today morning, it was amazing. It was above 30,000, which eventually showcased that this Bitcoin is not going into the downside now. We are expecting that Bitcoin should move upwards further. And this, if you have noticed the Bitcoin dominance has also given the very good breakout. So the Bitcoin dominance was in a 2-year range bound scenario where it was hovering in the same range since past 2 years, since May 2021, and it has given an amazing breakout this month only. And now, but the way it has given the breakout after multiple attempts with the proper volume. मिस्टर उपेंद्र सिंह प्रीत, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। और ज्यादा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters.